वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अंतर्यामी राम सिया तुम सर्वज्ञ सुजान, जो पुर कहो तो नाथ निज कीजे वचने प्रमाण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो आज की कथा को यहाँ से शुरू करेंगे। जय सियाराम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की कथा का आरंभ पिछले इसी दोहे पर विराम दिया गया था कि अंतर्यामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजान। जब भरत जी को गुरु जी ने ये तरीका सुझाया ना कि तुम दोनों भाई वन को चले जाओ, भरत और शत्रुघ्न, तो शायद राम सीता लखन वापस लौट आए, क्योंकि इससे पिता के वचन का मान भी रहेगा और राम लखन भी घर लौट आएंगे। और भरत जी हंसते हंसते खुश हो गए और भरत जी गुरुदेव से क्या कह रहे हैं कि अंतर्यामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजान, कि राम सीता हृदय को जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। जो फुर कहूँ तो नाथ निज कीजिए वचन प्रमाण। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो नाथ अपने वचनों का प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं भरत जी अपने गुरुदेव को। तो हम भी इनके साथ चलते हैं आगे और देखते हैं कथा में अब ये कथा किस मोड़ पर पहुंची कि भरत जी मनाएंगे अब राम जी को वापस अयोध्या चलने के लिए। और देखते हैं कि राम जी आगे से क्या उत्तर देते हैं। लेकिन उससे पहले यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं आगे। भरत वचन सुनि देख सनेहु, सभा सहित मुनिएहु विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ तेरे अभिलाषी। भरत के वचन सुनकर और उनका प्रेम देकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी का महान महिमा समुद्र है, मन की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी हुई है। गह चय पार जतन ही हेरा, पावती नाव न बहुत बेरा। और गिरे को भरत बढ़ाई, सरस सीप को सिंधु समाई। पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बढ़ाई और कौन करेगा, तलिया की सीपी में भी कई समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भी तर आए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम करें दिन सुहासन, बैठे सब सुने मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित राम के पास आए और प्रभु राम के प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बरु वचन बिचारी, देश काले अवसर अनुहारी। सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। सर्वज्ञ है सुजाना, धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। सबके और अंतर बसो, जानो भावुक भाव। पूजन जननी भरत हित, होई सो कहीं उपाओ। सबके और अंतर बसो, जानो भावुक भाव। पूजन जननी भरत हित, होई सो कहे उपाओ। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे स्वभाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों को, माताओं को और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कर ही विचार न काऊ, सुज ज्वार ही आपन दाऊ। सुन मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ पाऊ। दुखी लोग सभी विचार करने ही कहते, ज्वारी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर रघुनाथ जी कहने लगे, नाथ उपाय तो आप ही के हाथ में है। सबका रहित रुख रांगुरी राखे, आय सुखिए मुदित फुरभाषे। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। प्रथम जो आय सु मो कहूं होई, माथे मान करो सिख सोई। पहले तो मुझे आज्ञा हो, मैं उसे शिक्षा को माथे पर चढ़ा कर करूं। पुण्य जे ही कह जस कह गुसाई, सो सब भांति घटे सब काई। फिर हे गुसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वैसा तैसे सेवा में लगाएगा, आज्ञा का पालन करेगा। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार न राखा। मुनि उसी जी कहने लगे, हे राम तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। ते ही ते कहो बहोर बहोरी,
भरत भक्ति बस भय मत मोरी, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कजिए सो शुभ शिव सा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई, मेरी समझ में तो भरत की रुचि रहकर जो कुछ किया जाएगा शिव जी साक्षी हैं वह सब शुभ होगा। भरत विनय सादर सुने करे विचार बहोर, करव साधु मत लोक मत नृपनाय निगब न चोर। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही कीजिएगा। गुरु अनुराग भरत पर देखी राम हृदय आनंद विशेषी। गुरु जी भरत जी पर गुरु का इतना स्नेह देकर राम के हृदय में विशेष आनंद हुआ और भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले गुरु आयस अनुकूला, वचन मंजु मृद मंगल मूला, नाथ सबत पितु चरण दुहाई, भयो न भुवन भरत सम भाई। राम जी गुरु की आज्ञा के अनुसार मनोहर कोमल कल्याण के मूल कम वचन बोले, हे नाथ आपकी सुगंध और पिता के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोक हूँ वेद हूँ बड़े भागी, राउर जा पर यसे अनुरागा, को कहीं सके भरत कर भागो। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं वे लोक में भी और वेद में भी बड़भागी होते हैं। जिस पर गुरु का ऐसा स्नेह है उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है प्रभु। लखी लघु बंधु बूंद सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई, भरत कहीं सोए किए भलाई, अस कहीं राम कहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है, फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर राम जी फिर चुप हो गए। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजतात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहो हृदय की बात। तब मुनि भरत जी से बोले, तात अब सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनी मुनि वचने राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखी अपने सिर सब छर भारो, कहीं न सके कुछ कर ही बेचारो। मुनि के वचन सुनकर श्री राम का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सभा भे ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कहब मोर मुनि नाथ निवाहा, एही ते अधिक कहूं मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर सभा में खड़े हो गए, कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रु बह रहे हैं, बाढ़ सी आ गई और कहते हैं कि हे मुनिनाथ, मुनिनाथ ही निभा दिया जो कुछ मैं कह सकता था वे उन्होंने ही कह दिया, इसे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधी पर कोह न काऊ, मो पर कृपा सनेहु विशेषी, खेलत खुनी से न कब हूँ देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते, मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है, मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परिहार न संगु, कब हूँ न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीत जे जोही, हारियों खेल जितावे मोही। बचपन में कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा और मेरे प्रतिकूल भी कभी नहीं हुए, मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में वाली बातें देखा है। मेरे हारने पर वे खेल में सिवाय हार कर मुझे जिता दिया करते थे। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहे न पैन, दर्शन त्रपित न आज लगी प्रेम पिया से नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला, प्रेम के प्यार से मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। विधि न सके हूँ सही मोर दुलारा, नीच बीच जन ने मिस पारा, यही हूँ कहते मोहे आज न शोभा, अपन समुझि साधु सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका, उसने नीच माता के बहाने ही अंतर डाल दिया, यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से
कौन साधु और पवित्र हुआ? जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माँ तो मंदी में साधु कुचाली, उरे से अनत कोट कुचाली, फिरे के को दीप बाल सुसाली, मुक्ता प्रसव की संभुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु, ऐसा हृदय में लाना है करोड़ दुराचारियों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घूंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने ही तोषक ले सुना काहू, मोर उभाग उदित अवगाहू, बिनु समुझे निज अग परिपाको, जा रहे हो जाए जनने कहे काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश नहीं, मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों को प्रणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ जलाया। हृदय हो रिहार्यो सब ओरा, एक ही भात भले भल मोरा, गुरु गोसाई साहेब सिंह रामो, लागत मोहिनी एक परिणामो। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया, मेरी भलाई कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले हैं मेरा भला है, ये वह यह है कि गुरु महाराज असमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं, इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कयों सुथल सते भाव, प्रेम प्रपंच की छूट फुर जाने मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरु और स्वामी के स्वीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य स्वभाव से कहता हूँ कि प्रेम प्रपंच झूठ रच, इसे मुनि विशिष्ट और श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, चरण कुमत जगत सबु साखी, देखी न चाही विकल महतारी, जरी दूसे जर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वह देखी नहीं जाती, अवधपुरी के नर नारी दुस्संताप से रही हैं। मही सकल अनर्थ कर मूला, सोम सुनी समझ सयो सब सूला, सुन बन गवन की न रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिए साथा, बिनु पहिहाए प्यादे ही पाए, शंकर साख रह्यो धाए। बहुर निहार निषाद सनेहु, कुलिस कठन उरे भयो न बेहु। मैं ही इन सारे नाथों का मूल हूँ, यह सुनकर समझकर मैंने सब दुख सहा। रघुनाथ लखन सीता के साथ मुनियों सा वेश धर कर बिना जूते पहने पैदल वन में चले आए, यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। फिर निषाद का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अब सब आँख ही देखो आई, जियत जीव जड़ सबे सहाई, जिने निरख मग संपनी बीची तजे विषम विषु तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखें देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपना भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। ते रघुनंदन लखन सिए अनहित लागे जाय, तासु तने तज दूसहि दुख दयो सहावे काय। वे ही रघुनंदन लखन और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उसकी कई के पुत्र मुझको छोड़कर दया दुख और किसे सहावेगा। सुनियति विकल व्रत बरबानी, आरति प्रीत विनयन सानी, शोक मगन सब सभा खबारु, मनो कमल बन परहु तुसारु। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भट्ट की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक मगन हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन में पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध की न मुनि ज्ञानी, बोले उचित वचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार के ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत को समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने से चंद्रमा रघुनंद को उचित वचन बोले। तात जाए जिए करो गलानी, इस अधीन जीव गति जानी, तीन काल ते भुवन मत मोरे, पुन्न से लोक तात धर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ज्ञान करते हो, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों, स्वर्ग पृथ्वी और पताल तीनों लोकों में सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं, और आन तुम पर कटुलाई, चाहे लोक पर लोक नसाई, हृदय में तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाता है। दोष उदेह जनने जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से,
और परलोक भी नष्ट हो जाता है, मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता के कई को तो मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधु की सभा का सेवन नहीं किया। मीठ ही पाप पर पंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख सुमृत नाम तुम्हारे। भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप और पंच और समस्त मंगलों के समूह मिट जाएंगे, तो इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। करूं स्वभाव सत शिव साखी, भरत भूमि रह राऊं राखी। तात कुतर्क करूं जने जाए, बैर प्रेम नहीं दुरे दुरा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी है, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट भेग मृग जाही, भादक भदिक विलोक पराही। हित अनहित पशु पाछे ही जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाला पति को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु के पशु पक्षी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुणा का भंडार है। तात तुम्हें मैं जानी उन्हीं के, करो कहीं असमंजस जी के। राख्यों राय सत्य मोह त्यागी, तनि परिहरियों प्रेम पन लागी। हे तात, तुम अच्छी तरह जानता हूँ क्या करूँ, जीव में बड़ा दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु वचन मेटत मन सोचू, ते हूँ ते अधिक तुम्हार संकोचू। उनके वचनों को मेटते मन में सोचा होता है, उसमें भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। ताप पर गुरु मुहे आयसु दीना, अब से जो कहूँ चाहे सोई कीना। उस पर भी गुरु मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न करे सा कुछ तची, कहो करो सोए आज। सत्य संग रघुवर बचन, सुने बस सुखी समाज। तुम मन को प्रसन्न कर संकोच त्याग कर कहो, मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्रेष्ठ राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया कि अब तो जो भरत जी बोलेंगे राम जी वही करेंगे। सुरगण सहित सुभे सुर राजू, सोच ही चाहने होने अकाजू। बनत उपाव करत कचुनाही, राम शरण सबगे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीतों पर सोचने लगे कि बना बनाया काम बिगड़ता ही जाता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम की शरण गए। बहुर विचार परस्पर के ही, रघुपति भक्त भक्त बस ये ही। सुध करी अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सूरी पति निपटे निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि रघुनाथ जी तो भक्त के वश हैं, और अम्बरीश और दुर्वासा याद करके तो देवता इंद्र बिल्कुल निराश हो गए। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि के प्रगट पहलादा। लग लग कान कहे ध्वनि माथा, अब सुरु काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को प्रकट किया। सब देव सबता परस्पर कानों से अलग अलग कर सिर धुनकर कहते हैं कि अब देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। आन उपाय न देखो देवा, मानते राम सुसेवक सेवा। ही सपे मसुमरियों सब भरत ही, निज गुणशील राम बस करते ही। हे देवताओं, और कोई उपाय दिखाई नहीं देता। राम अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, और भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर प्रसन्न होते हैं। अतः अपना गुण और शील से श्री राम को वश करने वाले भरत जी को ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम से स्मरण करो। सुनि सुर मत सुरगर कहो, भरत मार बड़ भाग। सकस मंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग से आवर। जय जय राम, जय श्री राम। दोस्तों, तो आज की कथा को इसी दोहे पर विराम देंगे। हमने देखा कि किस प्रकार भरत जी गुरु संत के साथ आए हैं राम जी से प्रार्थना करने के लिए कि वो हमारे साथ चलें, लेकिन अब देखते हैं कि भरत जी क्या बोलते हैं, क्योंकि राम जी ने बोल दिया है कि जो भरत जी बोलेंगे हम वही करेंगे। तो ये कथा सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारी अगली कथा के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।